बर्बाद कर दी उसने। एक बारी जोया की शादी हो जाए। ओ किथे रह गए हो सारे, आ जाओ। ओ धीए किथे रह गए हैं? ओ पुत्र सफर भी लंबा है, तुसी जाने जी। अब्बा जी हाँ मेरी प्यारी थी। हाँ देखो तू की करनी पई है, घरों छो की लोड़ नहीं हैगी। हाँ मेरी धी जी है अपने घर जा रही है, खुशी खुशी रुखसत करो। ते आ गल सुन, बाकी बच्चे कितने रह गए? बेटा कितने गए हो, आ जाओ। हाँ अच्छा ते सारे कान खोल के मेरी गल सुन लवो। गड्डिया का फासला रखना है, हौली चलानी है, तेज नहीं चलानी, ठीक है? ध्यान नाल जाना है। तुसी फिकर ना करना अब्बा जी, इंशाल्लाह खैर खरियत नाल ही जावांगे। हां बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ते अल्लाह तां सारेयां नूं अपनी नजर सवली रखे। आमीन। खैर नाल जाओ ते अल्लाह तेरी भी जोड़ी सलामत रखे मेरी बच्ची। ते अच्छा ते हुण मैं हाले टुरन दी करो, देर हो रही। ठीक है ठीक है, चलो ना अब्बा जी। अच्छा चलो आ जाओ आ जाओ। मेरा चुगताई पुत्र। मेहरबानी मेहरबानी, चल पुत्र चल आ जा। देखूं तुझको मेरा सवेरा हो जाए, रातों का ये दूर अंधेरा हो जाए। जाने कब से भटका फिरता हूँ, आँखों में तेरी मेरा बसेरा हो जाए। रोहन देखे चलाओ यार, गटर में मार रहे हो तुम। देख भी रहे दानिया सो रही है। नहीं कुछ नहीं हुआ, इसे गंदे कीड़े ने काटा है। सो जाओ। चीची। जी सनम जान जी। कुछ सोच रहा है तू, परेशान है? सनम जान जी ना ही मैं कुछ सोच रहा हूँ और ना ही मैं परेशान, मैं बल्कि बहुत हैरान हूँ इस वक्त। हैरान किस बात पर? सरम जान जी हमारी तो शादी भी होगी लेकिन हमारा एक रुपया भी खर्च नहीं हुआ। कैसे? हाउ? लोग ना जाने शादी से क्यों घबराते हैं, समझ नहीं आई। होश में आ जा चीची, अभी शादी पूरी तरह नहीं हुई, अभी तो रुखसती पर तुझे पता चलेगा। और हाँ अभी तो सलमी ने तेरा अरमानी का जूता भी नहीं छुपाया। सरम जान जी रुखसती के लिए तो आप मुझे लेके जाएंगे ना, और जूता छुपाई भी आपकी होगी, और आप तो वैसे भी मुझे सलामी भी देनी पड़ेगी। बड़ाई कोई बेशर्म है, तुझे वाकई लगता है मैं ऐसे करूंगी? मैं तो सिर्फ तेरी आपा पर प्रेशर डाल रही हूँ ना, यू अंडरस्टैंड। वैसे किसकी याद दिला दी सलम जी आपने, आपका राज कितना दूर रह गया? चलते रहो रात तक पहुँच ही जाएंगे, डोंट वरी, यू आर विद मी। ओके यार फ्रेडी भाई, आप लोग कहाँ चले गए थे? आप लोगों के फोन क्यों बंद आ रहे थे? यार थका हूँ जेम्स, बाद में बात करते हैं। बाद में बात नहीं हो सकती। ये कहाँ गया? मैंने बोला था बाद में बात नहीं हो पाएगी। नोट कान तो छोड़े, खींच खींच के आपने लंबे कर दिए गधे की तरह। अभी छोड़ती हूँ तुम्हारा काम, चलो अंदर। मुझे ये बताओ कि तुम आखिर कहाँ थे, बताओ मुझे बको मुंह से कि कहाँ गए थे तुम लोग, कहाँ गए थे तुम लोग? मामा। क्या मामा? निकल जाएंगे कान। मामा वो आपको डैड नहीं बताया था कि हम कहाँ गए थे? तुम्हारे डैड ने बताया था कि तुम हवेली देखने गए। डैड ने हमसे झूठ बुलवाकर खुद सच बोल दिया, ऐसे डैड भी होते हैं। अब
हवेली? कौन सी हवेली मामा, हम तो जमीन देखने गए थे। जमीन मरीख पे थी जो फोन नहीं मिल रहे थे। पता नहीं मामा, डैड इतना दूर क्यों में उन्होंने भेज दिया जमीन देखने। कैसी थी जमीन? हमें अच्छी नहीं लगी। क्या खराबी थी जमीन में? पता नहीं मामा, कुछ गोल गोल सी थी। वो नहीं नहीं मामा, स्क्वायर थी, ओनली 1000 स्क्वायर यार्ड्स, पर ना रोड थी ना लाइट। डैड कुछ बोल क्यों नहीं रहा? हाँ डैड, पता नहीं कराची से इतना दूर क्यों आप घर बनाना चाहते हैं? घर बनाने के लिए जमीन देखने गए थे हैं? तुम्हारे डैड तो कह रहे थे कि 200 एकड़ जमीन देखने के लिए गए हैं फार्म हाउस के लिए। पता नहीं कौन सी जमीन देख कर आए हो, मैंने तो तुम्हें फार्म हाउस की जमीन देखने के लिए भेजा था यार। जमीन तो ना मैं तुम सबको खुद दिखाऊंगी। सीधे तरीके से बताओ कि कहाँ गए थे। मामा वो देखिए सनम। हाँ वो इस तरह स्कूल वाले बच्चों की तरह बुरी शक्ल बनाने की क्या जरूरत है? माँ सुने मेरी, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, आपको घर से निकाल देंगे, फिर आप एहसान साहब के घर आ जाएगा। सरम जी घर से तो वो मुझे बाद में निकालेगी, मगर उससे पहले वो मेरा वो हशर करेंगी जो कसाई बकरे के साथ करता है। आपको मारेंगी आपकी आपा जान। सरम जी आपा बेगम तो कुछ भी कर सकती है मेरे साथ। अच्छा बात सुने, मैं चलती हूँ आपके साथ अंदर, ठीक है? नहीं नहीं सरम जी, तो बात सफार, मैं ऐसा नहीं चाहता कि मैं शादी के पहले दिन ही बेवा हो जाऊँ। मैं अकेला ही अपने नसीब से लड़ लूंगा सरम जी। अच्छा मैं ना आयतन कुर्सी पढ़ के भूख देती हूँ, ठीक है? आयतन कुर्सी? हाँ पढ़ते पढ़ते पढ़ते। ठीक है चल। याला मेरी इज्जत रखते, शादी के पहले तो नहीं भी इज्जत ना करते। आ क्या गया? कैसा कैसा है मामा? चिकू खिला के तो और क्या? कैसा है? आप ले ले। मामा सो गई है, मैंने अभी कमरे की खिड़की खोल दी है, हम पीछे रस्ते से जाएंगे। फॉलो मी। देखना चुपता है घर में ना घुस पाए। मेरे कपड़े कहां गए? मेरे सारे पुराने कपड़े कहां रहे? What the hell? मामी सुनो, सुनो मेरे कपड़े कहाँ हैं? अल्लाह मैं मर गई, इन्होंने तो मेरा हशर बिगाड़ देना है। डरो मत, जाओ खाना बनाओ। या अल्लाह वो इधर ही आ रहे हैं, मेरे ख्याल से मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। डरने की जरूरत नहीं है, खबरदार जो तुम भागी। जाओ खाना बनाओ, जल जाएगा। मैं दूसरा खाना बना लूंगी, अभी आप देख लो प्लीज। हाँ प्लीज आप देख लो ना, प्लीज प्लीज। चलो तुम आ रही हो कि मैं आऊँ किचन में? क्या है क्या है? शनो कहाँ? पता नहीं। मेरी अलमारी में से कपड़े किसने निकाले? पता नहीं। तुम्हें नहीं पता? तुम्हें तो अलमारी में घुसी भी थी। मेरा दिमाग खराब है जो मैं दूसरों की अलमारियों में घुसूंगी। उस दिन तुम खुद अलमारी से ब्लू शर्ट निकाल के लेके आई थी और कि ये वाली इस्त्री कर दूं, वो वाली इस्त्री कर दूं। Excuse me, वो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए कर रही थी। मुझे कोई शौक नहीं है गैरों की अलमारियों में घुस के उनकी चीजें गायब करने का। देखो तानिया, मेरी और तुम्हारी कोई खास दोस्त। अच्छा तो फिर ये उस दिन सोचना चाहिए था ना, जब प्लेटर से मेरा खाना चोरी करके खाया था। मुझे अपने कपड़े वापस चाहिए। नए ला के रख दिए बाथरूम की अलमारी में। मुझे अपने पुराने कपड़े वापस चाहिए। इस घर में ना पुरानी चीजें रहेंगी और ना ही पुरानी यादें। अगर ये बात है तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। मुझे अपना घर, अपनी पुरानी यादें और अपने कपड़े वापस चाहिए।
अच्छा, आपने तो खुद को आजाद कर लिया था ना, तो फिर क्यों पुरानी यादों की कैद में रहना चाहते हैं? मेरी मर्जी। अब नहीं चलेगी आपकी कोई पुरानी मर्जी। तो तुम्हारा खाना जल गया, जाके अपना खाना बचा लो। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप दिल जलाते। पकड़िए और जाके खुद पकाएं। आपकी धार से ना शन्नो चली गई है। मामी, शन्नो, मामी। अब एक बार मेरी तरफ देखिए प्लीज। पापा देखिए, मैं आपका छोटा भाई हूं ना, मगर मेरे लिए तो आप मां से बढ़कर हैं। पापा अगर आपको लगता है कि मैंने कोई गलती कर दी है तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मैंने जिंदगी में आपसे कुछ भी नहीं मांगा और ना ही कभी मांगूंगा। बस मुझे ये खुशी दे दीजिए। खुशी तो छीन ली ना तुमने से मेरी। पर नहीं, मैंने सिर्फ निकाह किया है। सनम जी को आप ही इस घर में लेके आए। देखिए मैंने आपके लिए कितना अच्छा खाना है बाहर से मंगवाया है। मैं समझी खाना बना ही ना लिया हो मेरे लिए। उफ, जन्नो। आपके लिए तो मैं कुकिंग लेसन भी लेने को तैयार हूँ, आपको पता है। इसे ले ना कुछ। दो क्रेडिट कार्ड मैंने ब्लॉक कर दिए ना, इसीलिए तो आके पीछे। अच्छा है, मैं सोची थी कि सनम की शादी तो हमें अपने घर से करनी चाहिए। हमारे घर में रही है ना, एक अपनाइयत वाला रिश्ता है, तो क्यों ना हम उसे अपने घर से रख सकते हैं। हाँ मम्मी, गुड आइडिया, मेरे हाल में हमें करना चाहिए। तुम तो तानिया कुछ ले लो। You know that, right? हाँ, जानती हूँ। कई बार साबित कर चुके हो तुम। अच्छा आप मुझे बताएं, आपको किस बात का डर है? प्लीज रोहन, एक ही बात बार बार दोहरा कर थक चुकी हूँ। आप इसलिए नाराज हैं कि मैं आपके मना करने के बावजूद दानिया के घर जाता रहा उससे मिलने, या इसलिए कि दानिया शादी के बाद काम करना चाहती? तुम्हें क्या लगता, मैं इतनी सताई औरत हूं कि मुझे औरतों के काम करने पर एतराज हो? तो फिर तुम्हें और फ्रेडी को हमने बहुत प्यार से पाला है, चुखताई भी मुझे उतना ही अजीज है। बहुत उम्मीदें थी तुम लोगों से। थी? हाँ थी, क्योंकि तुम लोगों ने वो उम्मीदें तोड़ दी। चुखताई ने शादी कर ली, बगावत करके ये साबित कर दिया कि मेरी जिंदगी में उसकी कोई हैसियत नहीं है। वो तो मेरा अपना भाई है ना, जो तुम वो पे एतबार नहीं रहा। तुम्हारे डैड ने भी झूठ बोला मुझसे कि बच्चे जमीन देखने गए। लोग चुखताई की शादी में गए थे ना भाई। अगर तुम्हें सच कहते हैं तो तुम इनको जाने नहीं देती। देखो तुम एक बार अच्छी तरीके से रोहन से बात करके अपने सब जो खौफ है वो बयान कर दो,
रोहन और दानिया की शादी से तुम्हें प्रॉब्लम क्या है आखिर? क्या खदशा है बताओ? ये खौफ दूर नहीं कर सकती, करना चाहूं भी तब भी नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटों की जिंदगी शो बिजनेस के खानदानों की तरह हो, जहां कोई फैमिली वैल्यूज ना हो, जहां रिश्तों की कोई अहमियत ना हो, आज इसके साथ कल उसके साथ, शर्मो हया का नाम ही नहीं है। बहुत अफसोस की बात है समीर, बहुत ही अफसोस की बात है। दानिया में तुम्हें कोई ऐसी बात नजर आई? उनके खानदान में कभी तुम्हें? हाँ नजर आई, तानिया को भेज कर सनम उनके घर में नजर आई। सनम की फिल्में देखी हैं आपने? उसके डांस देखकर तो मेरा दिल बैठ गया था, और चुगताई ने उससे शादी कर ली। मामा, मैं आपकी इजाजत के बगैर ऐसा कुछ नहीं करूंगा। तुम हमें छोड़ के जाने की धमकी तो दे ही चुके हो ना रोहन, बल्कि एक बार छोड़कर भी गए हो। तुम्हारे डैड तुम्हें रोकते रहे, भाई तुम्हें रोकता रहा, तुम रुके नहीं ना? दानिया ने तुम्हें रोका तो तुम वापस आ गए, पर शादी के बाद हमें छोड़ के जाना कितना मुश्किल होगा। बीजान दरवाजा खोल दें। बीजान, ये क्या? अरे सॉरी, वो बीजान ने कमरा बंद कर लिया है और आई गेस सनम भी सो गई है। जी थैंक यू। थैंक यू बेटा, मैं सुबह ही चली जाऊंगी। कितना आसान है ना आपके लिए, मर्जी से आना मर्जी से चले जाना। आपके दिल में भी खदशा है ना, लेकिन अब आपको पता चल जाना चाहिए कि वो खदशात पहले भी गलत थे और आज भी गलत हैं, और उनकी शादी ने प्रूव कर दिया। I'm sorry बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। पता है आपने ज्यादती किसके साथ की? आपने बाबा के साथ ज्यादती। उनकी ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी थी, पता चला आपको? उनको आपकी जरूरत थी तब, उनको और मुझे, हमें आपकी जरूरत थी, लेकिन आपको तो पता ही नहीं चला होगा क्योंकि ये न्यूज वायरल ही नहीं हुई होगी सोशल मीडिया पे, क्योंकि ये कोई स्कैंडल नहीं था, कोई अफेयर नहीं था,
वरना आप यकीन कर लेती ना, जैसे आपने पहले यकीन किया था। I had no idea. So sorry, Irma. I'm so sorry. बस आप बस जाने का नहीं चाहिए। नहीं चाहूंगी। मतलब अखलाक बंदा आने से पहले बता देता है, एटलीस्ट कोई मैसेज तो कर देता है। बड़े नखरे हो गए आजकल तुम्हारे, वैसे भी मेरे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रहे, लेकिन अच्छे लग रहे हो आज। जिस किस्म के तुम मैसेज मुझे कर रही हो ना, दिल चाहता अपना सर दीवार पे मार दूं। उसके लिए भी ना हिम्मत चाहिए होती है, वो तुम्हारे अंदर। बस कर दो, तुम दोनों फिर से शुरू हो गए। ये रूहानिया तुम दोनों के साथ? अगर तुम्हें इतना याद आ रहा है इसको कॉल करके बुला लो। नो थैंक यू। वैसे क्या करने आओ तुम लोग यहाँ पे? तुमसे फिल्म के बारे में बात करनी थी। तो मुझसे क्या बात करनी है? वो तुमसे पूछना था, तुम हमारी फिल्म में काम करोगे क्या? नहीं। इतना एटीट्यूड कब से आ गया तुम्हारे अंदर? वैसे तुम मसल में नहीं करोगे क्या? बिल्कुल नहीं। ज़्यादा से तुम लोगों को अपने सिनेमा हॉल में प्रीमियर करने की इजाज़त दे दूँगा। ये क्यों इतना स्टबर्न हुआ वे? क्या हो गया दानिश? यार तुम लोग इसको छोड़ो, इसका तो दिमाग खराब हो गया। मैं तुम लोग की मूवी में वार्डरोब करूंगी। यस डन। आप ही कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट रोहान कर रहा है, पैसा और वक्त दोनों बर्बाद। तो आई हैव फुल कॉन्फिडेंस इन हिम, आई थिंक वो अच्छी फिल्म बनाएगा। फिल्म नहीं कार्टून, ऐसी फिल्म का हिस्सा बनना तो दूर की बात है, मैं तो उसे देखना ही पसंद नहीं करूंगा। यही उम्मीद थी मुझे तुमसे। मुझे पता था अगर मैं तुमसे डायरेक्टली बात करूंगी ना तो मुझे ऐसे ही सड़ा हुआ जवाब मिलेगा। तुमसे या तो बाबा या तो दादू बात कर रहे हैं तो तुम ठीक रहोगे। चलो ने। अरे किधर भाई, आइसक्रीम लाएंगे? ये आइसक्रीम आप इसी को ही खिलाएंगी? पता नहीं इसके दिमाग में आग लगी हुई है, क्या क्या सोच रहा है आजकल। आइसक्रीम खिलाए, ठंडा करें इसके दिमाग को। और सुनो, मेरे मैसेजेस का रिप्लाई दे देना, वरना मैं। वरना क्या है? क्या वरना? क्या वरना? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अरे यार रुक तो जाओ ना। क्यों है दानिश, अच्छी क्यूट लड़की है, आई लाइक हर। आप ही अच्छी भली थी, पता नहीं से क्या हो गया। अच्छा सच बताओ, तुम वाकई उसकी मूवी में हेल्प नहीं करोगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा तुम क्या कहती हो मैम? I'm not sure मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ। फिल्म बनाने के लिए बहुत से पैसों की जरूरत है, और ना रूहान भाई डैड से हेल्प लेना चाह रहे हैं, और ना दानिया एहसान अंकल से। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर दोनों इतनी मेहनत करना चाहते हैं तो उनकी हेल्प करनी चाहिए। मैं एक दो बिल्डर्स को जानता हूँ, उनसे मैं बात करता हूँ, हो सकता है वो कुछ इन्वेस्ट भी कर दें। वैसे भी दोनों फिल्म के बहुत शौकीन हैं, ये छोटे मोटे कमर्शियल तो बना ही लेंगे, मगर फिल्म के लिए कास्ट पे बहुत डिपेंड करता है भाई। अभी तक तो सनम जी का पता है कि वो काम कर रही है फिल्म में। अरे अरे ये तो बहुत अच्छा हो गया। खैर मैं बात करता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। तुम कुछ खाना खाना वगैरह? भूख बहुत लगी है, लंच कर लें। बहुत अजीब हरकत की है वैसे, और तुम्हें लगता है मीमी के सामने ये हरकतें करना कोई वाइज डिसीजन था? तुमने उसकी शक्ल देखी थी, उसकी चुन्नी मुन्नी आंखें ना बाहर फट के बड़ी बड़ी हो गई थी। बहुत गलत बात है मेरी। दानिया वो रोबोट किस्म का बंदा है, उस पर हथौड़े मारूंगी ना तब जाके उसके दिमाग से एक ग्राम का इमोशन निकलेगा। और तुम्हें लगता है इसे हथौड़े मार मार के तुम उससे शादी कर लोगी? और तुम्हें क्या लगता है वो करेगा ऐसे शादी? मैं तो कर लूंगी, लेकिन वो करे या ना करे अब वो एक अलग सवाल है। हेलो हेलो, फाइनली वी आर मेकिंग अ मूवी। यस फाइनली, शुक्र है। ऑन स्क्रिप्ट? या यार। क्या हुआ रोहन, तुम्हारी तबीयत ठीक है? हाँ मैंने स्क्रिप्ट कोई 3-4 बार पढ़ ली है, आई डोंट थिंक कोई चेंजेस या एडिशन की जरूरत है, बस कोई 62 डेज लगेंगे कंप्लीट कर। मैंने तुम्हारी तबीयत का पूछा है। सॉरी यार, वो असल में फिल्म से पहले मैं ऐसे हो जाता हूँ, एंग्जाइटी। नुमान अंकल ने कुछ बिल्डर्स का नाम दिया था, हमारी मूवी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ओह परफेक्ट, फिर तो आई थिंक काम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है हमें ढूंढना चाहिए कि हम कहाँ पे काम करेंगे, cuz we don't have a workplace, कोई ऑफिस होना चाहिए ना। मेरा घर सबके करीब भी है और घर पे से मैं और बाबा होते हैं। आर यू श्योर? क्योंकि मैं नहीं चाहती हम अंकल को डिस्टर्ब करें, cuz मुझे पता है कि हम लोग लेट नाइट्स तक काम करेंगे। नहीं आई डोंट थिंक सो, वो तो बहुत एक्साइटेड है मूवी को लेकर। वैसे प्रोडक्शन
रोशन आरा प्रोडक्शंस। यानी दादू? या परफेक्ट। मैं बाबा से बात करती हूँ। आई एम श्योर ही हैज सम अमेजिंग डीओपीज, है ना? यार मेरा एक कंसर्न है फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर को लेके। पाकिस्तानी होना चाहिए। 100% पाकिस्तानी प्रोडक्शन एंड 100% पाकिस्तानी मूवी, राइट? या बट गाइस, बिफोर वी बिगिन, आई वांट यू गाइस टू प्रॉमिस मी समथिंग। हम अपने सारे पर्सनल इख्तलाफात को, प्रॉब्लम्स को साइड पे रख के ये मूवी बनाएंगे, और किसी का कोई भी प्रॉब्लम हो, वी आर नॉट गोइंग टू केयर। हमें जो गिवन टाइम मिला हुआ है इस मूवी के लिए, हम उस गिवन टाइम में अपनी मूवी कंप्लीट करेंगे। प्रॉमिस? या डन। बस डन है फिर। दादू ने कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं, साइन कर। लेट्स डू इट। हाउ कॉन्ट्रैक्ट्स का है? तुम महज धमकी दे रही हो या तुम वाकई एहसान के घर जाकर कोई हंगामा करने वाली हो? मैं सिर्फ सोच नहीं रही, मैं करूंगी भी। हंगामा क्यों करूंगी? अरे सीधे सीधे जाके मंगनी की अंगूठी लौटा दूंगी बस। इतनी आसान सी बात है ना तुम्हारे लिए? हाँ, बेटे की पसंद, मेरे और एहसान और हमारे तयशुदा रिश्ते ही की तुम्हें कोई अहमियत नहीं है। हाँ, यानी कि हमारे दोस्ती की तुम्हें कोई परवाह नहीं है। मेरे लिए मेरी फैमिली, मेरा घर, मेरे बेटों का मुस्तकबिल अहम है। That's it. तुम्हारे लिए तुम्हारी बात ही अहम है। हाँ, जो तुम समझती हो बस वही ठीक है, बाकी सब गलत है, राइट? अपनी दोस्ती के लिए आप भी तो रोहान की जिंदगी पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। मतलब उसकी तो आंखों पे पट्टी बंधी है ना। अरे चुगताई तो हाथ से निकल चुका है। मैं अपने बेटे को खोने के लिए तैयार नहीं हूँ। देखो, कान खोल कर मेरी बात सुन लो। तुम्हारे सर पर ये जो पूरी दुनिया पर हुकूमत करने का जुनून सवार हो गया है ना, इसी वजह से तुम सब खो बैठोगी। जी हाँ, सब तकरीरें सुन सुन के ना मेरे कान पक चुके हैं। जिसको देखो इस घर में अफलातून मना फिर रहा है। अरे भाई, नहीं माननी मेरी बात तो ना मानो, भेज दो मुझे वापस, चली जाऊंगी घर, मुझे क्या फर्क पड़ता है। हाँ भाई, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये क्या है? रोहन, हाथ हो ना। फ्रेडी, अरे भाई, भाई दानिया। क्या, कहाँ? हाँ, वो देखो दीवार पे। दानिया, दानिया तुम यहाँ क्या कर रही हो? मामा जाग जाएंगी। तो क्या हुआ, इतना डरे हुए क्यों हो? मामा तूफान बनी हुई है, मामा जी कमरे में लॉक्ड है। क्या मतलब, आंटी को पता चल गया? हाँ, किसी ने शादी से उनको तस्वीर भेज दी। तो तुम दोनों ने बताया क्यों नहीं कि उनको पता चल गया? तुम लोग यहाँ कर क्या रहे हो, ये तो बता दो। वो तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। अच्छा, तुम नीचे उतरो, मैं बाहर आ रहा हूँ। रेडी? बंद है थोड़े, निकल जा यहाँ से, भाग जा। मैं देखिए चाहे को क्या हो गया, चाहे शर्मी पाबल का हिसाब मांग रहे, साथी हो गई मेरे साथ, तबाह हो गया मैं। चल यहाँ सही हो जाए ना, अंदर ला के सुला देना। ठीक है भैया, करते हैं। मैंने बोला था कि अगर तुमने हमारी छोटी सी बात नहीं मानी ना, तो हम दोनों आंटी को आवाज दे देंगे। धमकी क्यों दे रही हो? मैं वैसे मान लूंगा। तुमने अगर नहीं माना ना, तो मैं आंटी को मजबूरन आवाज देनी पड़ेगी। अच्छा अच्छा, जल्दी बोलो। वो रोहन, तुम मेरी मूवी पे हीरो बनोगे क्या? आर यू क्रेजी? आंटी, खत्म कर दो। मैं डायरेक्टर हूँ यार, एक्टर तो नहीं हूँ। आंटी, खत्म कर दो। हाँ हाँ भाई, हीरो ही बनेंगे और सिनेमा में बोतलें ही बेचेंगे भाई, मान जाए। फ्रेडी, जब तक मुझे रोहान अपने मुंह से नहीं बोलेगा ना, तब तक मुझे यकीन नहीं आएगा। हाँ हाँ भाई, मान जाए ना। अच्छा लेट मी थिंक, मैं सोच के बताता हूँ। अच्छा यार रुको, बन जाऊंगा हीरो। ओके, कहाँ गई? आई गई थी तो बात कर लेते थोड़ी। वेट, बोतलें बेचूंगा मैं? है? नहीं नहीं फिट लग रहे ना दोनों। मनीरा भी हो गया? नहीं नहीं, अभी निकाह हुआ है, शादी तो कराची आके करेंगे। क्या देख रहे हो, इधर लाओ।
अरे दिखाओ मुझे मोबाइल। मामा चुगताई ने शादी की तस्वीरें भेजी होंगी ना, लाओ दो। तो ये स्लो मोशन, लाओ दो, पकड़ो इसको। देखो सिर्फ निकाह हुआ है अभी, आराम से। सिर्फ निकाह हुआ है हा? मामा मामा जी आपके बगैर शादी नहीं करना चाहते थे, वो तो बस दादाजी की बात नहीं डाल पाए। हाँ हाँ, इन फिल्मी लोगों से यही तवक्को है मुझे। चलो उठो सब, नाश्ता करो, पकड़ो ये, और मुझे मुमताज के घर लेकर जाना है तुमने। मुमताज के घर? अब क्यों मामा, अब तो। अरे भाई कपड़े डिजाइन करवाने हैं, इसलिए बात भी करनी है। तो चलो मदद करो मेरी। यार कपड़े, चलो भाई। अरे आप ही जाओ। अच्छा भाई चल यार, नाश्ता करो। मम्मी मुझे समझने का मौका दें, सवेरा भाभी ने क्या कहा कि घर में सिर्फ एक फिल्मी बहू आएगी? चुगताई और रूहान में मुकाबला हुआ और चुगताई हार गया और रूहान जीत गया और सवेरा भाभी मान गई। मैं तो हैरान ही हूँ कि सवेरा इतनी बचगाना बात पे रजामंद कैसे हुई है। This is ridiculous. इसलिए सनम और चुगताई ने भाग के शादी कर ली। सवेरा का तो पहले दिमाग घुमा हुआ था, अब पता नहीं और क्या करेगी वो। नहीं नहीं देखिए, सनम जी मामा जी को सिर्फ अपनी फैमिली से मिलाने गई थी, उनका निकाह का तो कोई इरादा नहीं था। वो तो दादाजी ने उनका निकाह करवा दिया, शायद उम्र का तकाजा है। वो तो भाग गए ना घर से दोनों, लेकिन तुम देख लेना सवेरा रूहान और दानिया की शादी नहीं होने देगी, उल्टा हमारे घर आके हमें ही सुनाएगी पता नहीं क्या क्या। आप इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहे, सवेरा से तो मैं निपटूंगी, लेकिन मुझे लगता है वो रूहान को फिल्म नहीं करने दी। मम्मी ना ये मंगनी बकरा रखेगी और ना ये फिल्म बनने देगी। नहीं नहीं एक मिनट एक मिनट, मूवी हर हालत में बनेगी। मेरी रूहान और शेडी से डील हो चुकी है, उन्होंने मुझे गारंटी दी है कि कुछ भी हो जाए हम मूवी बनाएंगे। तो आप लोग देख लें अपना, मुझे नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मूवी हर हालत में बनेगी। अरे कैसे बेटा, सवेरा किसी सूरत में रूहान को इजाजत नहीं देगी। लेट्स सी।